वेलकम बैक टू फिल्म एक्सप्लेनर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2014 में आई मूवी यंग बर्न्स के बारे में। इस मूवी में हमें फ्यूचर का वो टाइम दिखाया गया है जब धरती पर सारा पानी खत्म हो चुका है और पूरी धरती बंजर हो चुकी है। यहाँ पानी के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं और लोगों को जिंदा रहने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम अर्नेस्ट था। वो अपने बेटे जेरोम और बेटी मेरी के साथ एक टाउन हाउस में रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी। एक समय था जब यहाँ की जमीन हरी भरी हुआ करती थी, लेकिन अब पानी के कमी के चलते ये जमीन बंजर बनकर रह गई है। इसीलिए सब लोग इस इलाके को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अर्नेस्ट आज भी अपनी जमीन पर ही रहता है। उसका मानना था कि अगर उसे पानी मिल जाए तो ये जमीन एक बार फिर से हरी भरी हो सकती है। अर्नेस्ट के पास एक खच्चर होता है जिसके जरिए वो उन लोगों तक सप्लाईज पहुंचाता था जो जमीन की गहराइयों से पानी निकालते थे, और उसके बदले अर्नेस्ट और उसके परिवार को पानी मिलता था। जो लोग जमीन से पानी निकालते थे वो सरकार के लिए काम करते थे। अर्नेस्ट सिंचाई के लिए उन लोगों से पानी मांगता है, लेकिन इतना पानी कोई भी नहीं दे सकता, और अगर उसे पानी मिल भी गया तो उसके लिए अर्नेस्ट को बहुत सारा पैसा देना होगा जो कि उसके पास नहीं है। जब अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ घर जा रहा था तभी रास्ते में उसका खच्चर गिर जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है, जिस वजह से अर्नेस्ट को उसे ना चाहते हुए भी मारना पड़ता है। अब ये दोनों अपने घर जाते हैं। यहाँ हम अर्नेस्ट की बेटी मेरी को देखते हैं जो बर्तनों को मिट्टी से साफ कर रही थी, क्योंकि इस वक्त पानी दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गया था, और चीजें कीमती तभी होती है जब वो बहुत कम मात्रा में हो। अगले दिन अर्नेस्ट जेरोम को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ रोबोट्स की नीलामी की जाती थी। अर्नेस्ट का खच्चर अब मर चुका था, इसीलिए उन्हें एक रोबोट की जरूरत थी, और वो एक रोबोट को नीलामी में खरीद लेता है। उस रोबोट को सिम कहा जाता है, जो अब अर्नेस्ट के खच्चर की जगह ले लेता है। यहाँ पर फ्लेम नाम का एक आदमी होता है जो अर्नेस्ट से जल रहा था, क्योंकि उस रोबोट को वो खरीदना चाहता था। इसके बाद अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो उसकी पत्नी कैथरीन से मिलता है जो हमेशा के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट है। दरअसल कैथरीन का एक्सीडेंट हुआ था और अब वो एक गैजेट की हेल्प से ही चल सकती है। यहाँ उसे एक फ्रेम में रखा जाता है जो कि बहुत ही महंगा था, और अर्नेस्ट के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उसे खरीद सके। कैथरीन से मिलने के बाद अब वो दोनों घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें रोबी मिलता है। रोबी बहुत ही गरीब था, इसीलिए वो अर्नेस्ट से हेल्प मांगता है। रोबी और उसकी वाइफ अपने बच्चे को बेच देना चाहते थे ताकि उन्हें थोड़े पैसे मिले और वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि पानी भी अब पेट्रोल और डीजल की तरह मिलने लगा था। तब अर्नेस्ट अपने पैसों से उन्हें पानी खरीद के देता है और बच्चे को ना बेचने की सलाह देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि आप लोग बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाओ, इसमें जितना भी खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगा। एक दिन अर्नेस्ट के पास फ्लेम आता है और वो अर्नेस्ट से उसका रोबोट उधार मांगता है। वो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है, मैं अपना काम खत्म करके इसे लौटा दूंगा, लेकिन अर्नेस्ट को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें फादर की गारंटी के बिना इस रोबोट को तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनकर फ्लेम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब अर्नेस्ट के खच्चर की जगह उसके रोबोट ने ले ली थी और वो अपना काम अच्छे से कर रहा था। अर्नेस्ट का कुआं अब सूख चुका था और अब वो उसे और गहरा खोद रहा था इस उम्मीद में कि उसे पानी मिल जाए और वो खेती कर सके। जब वो दोनों अपने घर जा रहे थे तब उन्हें सामने से फ्लेम आता दिखाई देता है। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो मेरी से मिलकर ही आ रहा है। दरअसल मेरी का अफेयर फ्लेम के साथ चल रहा था और वो रात को उससे मिलने भी जाती थी। अर्नेस्ट उसे रोकने की काफी कोशिश करता था, और आज भी जब वो घर आता है तब वो मेरी को बहुत डांटता है, क्योंकि वो जानता था कि फ्लेम अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन मेरी फ्लेम से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो अर्नेस्ट की एक भी बात नहीं सुनती। तब गुस्सा होकर अर्नेस्ट उसे घर में लॉक कर देता है। अब एक सुबह अर्नेस्ट देखता है कि उसका रोबोट किसी ने चुरा लिया है। यहाँ अर्नेस्ट का शक सीधा फ्लेम पर जा रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले वही उस रोबोट को मांगने आया था। जब अर्नेस्ट फ्लेम के फादर से मिलता है तब बातों बातों में उसे पता चलता है कि फ्लेम पहाड़ों की तरफ सामान सप्लाई करने गया है। इसीलिए अर्नेस्ट उसे ढूंढने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसके मुंह पर एक पंच पड़ता है, और जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि वाटर सप्लायर्स के लोग उसे मारने पर तुले हुए हैं। उनके मुताबिक अर्नेस्ट ने उनका सारा सामान चुरा लिया है और उन्होंने अर्नेस्ट को उसके रोबोट के साथ यहाँ से जाते हुए देखा था। अब वो लोग अर्नेस्ट को जान से मारने वाले थे, लेकिन तभी अर्नेस्ट के हाथ में उसकी गन आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो वापस से फ्लेम को ढूंढना शुरू करता है और उसे वो मिल भी जाता है। सबसे पहले फ्लेम ने अर्नेस्ट के रोबोट को चुराया और फिर वाटर सप्लायर्स के सामान को। रात होने की वजह से वाटर सप्लायर्स के लोग फ्लेम को ठीक से पहचान नहीं पाए और उन्हें लगा कि चोरी करने वाला आदमी अर्नेस्ट ही है। अब अर्नेस्ट उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे रस्सी से बांध देता है।
क्लेम उस चुराए हुए सामान को बॉर्डर के उस पार जाके बेचना चाहता था ताकि वो बहुत सारे पैसे कमा सके। अब अर्नेस्ट उसे वाटर सप्लायर्स के पास ले जा रहा था ताकि वो साबित कर सके कि वो बेगुनाह है। लेकिन प्यास और थकान की वजह से अब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। बिना पानी के उसके होंठ और गला सूख रहा था। फ्लेम कहता है कि हम शराब पी के अपनी प्यास बुझा सकते हैं और बचे हुए सामान को हम बॉर्डर के उस पार जाके बेच देंगे जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। प्यास की वजह से अर्नेस्ट उसकी बात मान जाता है और पानी की जगह शराब पीने लगता है। लेकिन अब भी उसका सामान बेचने का कोई भी इरादा नहीं था। वो अब भी फ्लेम को वाटर सप्लायर्स के पास ले जाना चाहता था लेकिन शराब पीने के बाद उसे नशा हो जाता है और उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। फ्लेम समझ चुका था कि अर्नेस्ट की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो फ्लेम के सर पे एक पत्थर मारता है जिस वजह से अर्नेस्ट की मौत हो जाती है। इसके बाद वो अर्नेस्ट को रोबोट के साथ बांध देता है और उसे वाटर सप्लायर्स के पास जाने का कमांड देता है जिस वजह से वो रोबोट अर्नेस्ट को घसीटता हुआ वाटर सप्लायर्स के पास ले जाता है। इसके बाद फ्लेम मैरी के पास जाता है और मैरी उसके साथ चली जाती है। लेकिन जीरम को थोड़ा शक होता है क्योंकि शाम ढलने को आई थी लेकिन अर्नेस्ट अभी तक घर नहीं लौटा था, इसीलिए वो उसे ढूंढने निकलता है। उसे सप्लायर्स के लोगों की एक बोतल मिलती है जिसे लेकर वो उन लोगों के पास जाता है जहां वो रोबोट भी होता है जो अर्नेस्ट को घसीट कर यहां तक लाया था। ये देखकर सबको यही लगता है कि रोबोट ने ही अर्नेस्ट को मारा है। अब हमें अर्नेस्ट के फ्यूनरल को दिखाया जाता है। अर्नेस्ट की मौत से दोनों भाई बहन अंदर से टूट जाते हैं। उनकी माँ वैसे भी हॉस्पिटलाइज थी और अब उनके पिता की भी मौत हो चुकी थी। घर आने के बाद जीरम उस रोबोट को तोड़ने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि रोबोट ने ही उसके फादर की जान ली है। तभी वहाँ पर फ्लेम आता है और वो जीरम को सहमति देने लगता है। वो उसे बताता है कि हम तुम्हारे फादर के सप्लाई के काम को जारी रख सकते हैं ताकि शायद वो हमें पानी दे दे और हम इस जमीन पर फसल उगा सके। लेकिन जीरम जानता था कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसके फादर ने कई बार पानी की मांग की थी लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन फ्लेम कहता है कि वो एक बार उन लोगों से बात करेगा। अब वो उन लोगों के पास जाता है जो जमीन से पानी निकालते हैं। वो सेलेब को शराब की दो बोतलें देता है और उसे पानी के लिए मना लेता है। अब सेलेब उसे सरकार को बताए बिना ही पानी दे देता है और फ्लेम उस पानी से अर्नेस्ट की जमीन पर फसल उगाता है। वो उस रोबोट की हेल्प से उस जमीन को उपजाऊ बनाता है। कुछ ही दिनों में उसकी फसल उग जाती है और देखते ही देखते वो फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। ये देखकर फ्लेम और जेरोम बहुत खुश होते हैं। अब फ्लेम मैरी से शादी कर लेता है और उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है। हालांकि वो अच्छी तरह से जानता था कि उसने क्या किया है। एक दिन फ्लेम के पास बैंक की तरफ से कुछ लोग आते हैं जिनमें फ्लेम के फादर भी होते हैं। यहाँ फ्लेम को बताया जाता है कि जिस जमीन पर फ्लेम खेती कर रहा है वो असल में अर्नेस्ट की नहीं बल्कि बैंक वालों की है। दरअसल अर्नेस्ट ने इस जमीन पर काफी कर्ज उठाए थे जो वो बैंक को लौटा नहीं सका, इसीलिए इस जमीन पर बैंक अपना कब्जा कर लेगी। अगर फ्लेम को ये जमीन चाहिए तो उसे अर्नेस्ट का सारा कर्ज चुकाना होगा। ये कहकर बैंक के लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब फ्लेम को कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम करना था। वो उस रोबोट को ट्रक में लोड करता है और यहाँ से जाने लगता है। जीरोम पूछता है कि तुम रोबोट को लेकर कहाँ जा रहे हो। तब वो सिर्फ इतना बताता है कि मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। वो सीधा रोबी के पास जाता है क्योंकि वो जानता था कि रोबी अपने बच्चे को बेचने वाला था। वो रोबी को झूठ बोलते हुए कहता है कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे बच्चे को खरीदना चाहते हैं। वो कहता है कि तुम अपने बच्चे को लेकर मेरे साथ चलो, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि वो लोग इस बच्चे के कितने पैसे देते हैं। इसके बाद तुम अपने बच्चे को लेकर वापस आ जाना। तो रोबी उसकी बात मान जाता है और अपनी वाइफ को बताए बिना ही फ्लेम के साथ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर फ्लेम उन लोगों से बच्चे की डील कर लेता है और पैसे अपनी जेब में रख लेता है। जब इस बात का पता रोबी को चलता है तब वो बहुत चिल्लाता है लेकिन तभी वो लोग उसे गोली मार देते हैं। वो फ्लेम पर भी फायरिंग करते हैं लेकिन वो बचकर वहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान एक गोली रोबोट के सेंसर पर भी लगती है जिससे उसका सिस्टम रिबूट हो जाता है और अब वो लंगड़ाते हुए सीधा अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाने लगता है। अगले दिन हम फ्लेम को देखते हैं जो बहुत ही खुश था क्योंकि अब उसने बैंक का सारा कर्ज चुका दिया था। लेकिन मैरी और जेरम नहीं जानते थे कि फ्लेम के पास इतना पैसा आया कहाँ से। जेरम को लग रहा था कि फ्लेम ने रोबोट को बेच दिया है और उन पैसों से उसने बैंक का कर्ज चुकाया, इसीलिए वो फ्लेम से पूछता है कि वो रोबोट तुमने किसको बेचा है। तब वो जवाब देता है कि रोबी को, जबकि रोबी तो मर चुका था। यहाँ अब ये रोबोट बॉर्डर क्रॉस करके उस जगह पहुँच गया था जहाँ उसे बनाया गया था। तभी एक आदमी उसे देख लेता है। ये वही आदमी था जिसने उस रोबोट का आविष्कार किया था। वो रेडियो पर जेरम से कॉन्टेक्ट करता है और उसे रोबोट की जानकारी देता है। साथ ही जेरम रोबी की वाइफ को भी देखता है जिसकी गोद में एक नकली बच्चा होता है।
ये देखकर अब उसे फ्लेम पर शक होने लगता है और वो खाना खाते टाइम फ्लेम को बताता है कि वो अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन असल में वो उस जगह पर जा रहा था जहां पर उसका रोबोट है। वो जगह बॉर्डर के उस पार थी। वहां जाके जेरोम केल्विन से मिलता है जिसने जेरोम को रोबोट की जानकारी दी थी, साथ ही वो रोबोट भी उसने बनाया था। केल्विन ने रोबोट के खराब पार्ट्स को चेंज कर दिया था और अब उसका रोबोट एकदम नए जैसा हो गया था। साथ में वो रोबोट के एक फीचर के बारे में बताता है। वो जेरोम को बताता है कि ये रोबोट अपने लेजर सेंसर की मदद से वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकता है, और जब जेरोम वो रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि फ्लेम ने ही उसके फादर को मारा है। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि फ्लेम ने ही वाटरमैन्स का सामान चुराया था। अब जेरोम उस रोबोट को लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ आकर वो फ्लेम से पूछता है कि तुमने रोबोट रोबी को भेज दिया था तो फिर ये रोबोट यहाँ क्या कर रहा है। ये सुनकर फ्लेम बहाने बनाने लगता है। वो कहता है कि इस रोबोट को रोबी के पास होना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये यहाँ क्या कर रहा है। अब एक रात फिर से जेरोम फ्लेम को बताता है कि आज मैंने रेडियो पर रोबी से बात की थी, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, वो तुम्हें ढूंढ रहा था। ये सुनकर फ्लेम चौंक जाता है क्योंकि रोबी को खुद उसने मरते हुए देखा था। वो फ्लेम से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, रोबी के पास रेडियो है ही नहीं। यहाँ वो जेरोम पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि अब वो खुद के ही जाल में फंसता जा रहा था। अगले दिन फ्लेम को एक लेटर मिलता है जो जेरोम ने रोबी के नाम से भेजा था। उस लेटर में जेरोम ने लिखा था कि मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे अकेले में पहाड़ों पर मिलो। तो फ्लेम पहाड़ों पर जाने का फैसला करता है जहाँ जेरोम ने उसके लिए पहले ही चाल बिछा कर रखा था। जेरोम ने एक गहरा गड्ढा खोदा था और ऊपर पॉलिथीन बिछा कर मिट्टी डाल दी थी। जब फ्लेम यहाँ आता है तब वो उस गड्ढे में गिर जाता है और उसकी टांगे टूट जाती है। अब वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, तभी वहाँ पर जेरोम आता है, लेकिन उसकी आंखें देखकर फ्लेम समझ जाता है कि जेरोम सारी सच्चाई जानता है, लेकिन फिर भी वो हेल्प के लिए जेरोम के आगे गिड़गिड़ाता है। लेकिन जेरोम उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता और उसे सर में गोली मार देता है। इसके बाद जेरोम अपने रोबोट के साथ घर आ जाता है, लेकिन वो मेरी को इसके बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो फ्लेम के बच्चे की माँ बनने वाली थी। दो दिन बीत जाने के बाद भी जब फ्लेम नहीं आता तब मेरी बहुत परेशान होने लगती है। वो जेरोम से पूछती है कि अब मैं क्या करूं। तब जेरोम उसे बताता है कि तुम्हें इंतजार करना चाहिए। अब ये दोनों अपनी मम को घर लाने का फैसला करते हैं क्योंकि जो फसल उन्होंने लगाई थी उससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जिस वजह से अब वो उस गैजेट को खरीद सकते हैं जिससे उनकी मॉम चल सकती थी। अब उनकी मॉम उनके साथ घर पर ही रह सकती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना।